हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे कैसे आप किसी भी इमेज में अगर किसी ने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है और उसके कलर को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, जनरली अगर आपने किसी भी कलर की ड्रेस पहनी है फोटो के अंदर तो आप उसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास, लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं इस बात को देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, ये व्हाइट कलर की टी शर्ट है, ठीक है, मैं इसके कलर को चेंज करना चाहता हूँ। तो जनरली लोग क्या करेंगे, ह्यू सैचुरेशन न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और उसमें यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करेंगे और इस हिसाब से वो देखेंगे कि कहाँ पे कलर अच्छा लग रहा है वहाँ पे वो रोक देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पूरी इमेज में रिफ्लेक्शन तो देखने को आपको मिलता ही है। अगर मैं यहाँ मास्टर्स कलर्स की बात करूँ, यानी मास्टर्स को छोड़ के, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर देखने को मिलते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, क्यान, ब्लू, ठीक है, मर्जेंटा, आपको ऐसे बहुत सारे कलर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इन्हीं कलर्स में हमें चेंजेस नहीं करने, हमें सिर्फ व्हाइट में करना है। तो यहाँ पे व्हाइट कलर का ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता है, तो ऐसे केस में क्या करना है तो वही जानेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक मिस्टर बॉट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को सही टाइम पर मिल जाए। तो चलिए देखते हैं हमें करना क्या है। सबसे पहले आपको ड्रेस का सिलेक्शन लेना है, तो आप किसी भी सिलेक्शन टूल का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ अपने केस में क्विक सिलेक्शन टूल का जो हूँ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसने जो है यहाँ पे पकड़े हुआ है इस टी शर्ट को, अब मेरे को इसका सिलेक्शन लेना है, ठीक है। आप सिलेक्शन फ्रेंड्स बहुत अच्छे से लीजिएगा, तभी आपको उतना अच्छा जो है आउटपुट देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे क्विक सिलेक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी भी सिलेक्शन टूल का यूज़ कर लीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। और अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक रखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे न्यू सिलेक्शन पे रहेगा तो पुराना सिलेक्शन हट जाएगा और न्यू सिलेक्शन क्रिएट होगा। मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा जल्दी से सिलेक्शन ले लेता हूँ और मैं अब इसको कलर को चेंज करना है, तो अब देखिए कैसे कलर चेंज होगा। मेरे को क्या करना है, एक न्यू सॉलिड कलर जो है लेना है, न्यू लेयर पर आ जाएगा और इसके बाद आपको कलर को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर सपोज़ कीजिए यहाँ पर मैं ब्लू कलर को जो हूँ सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा लाइटिस ले लेता हूँ क्योंकि लाइट ब्लू थोड़ा अच्छा लगेगा और वाइट भी थोड़ा लाइटी कलर है, ठीक है। मैंने ब्लू कलर सिलेक्ट किया। ब्लू कलर सिलेक्ट करने के बाद इसका जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और आप देखिए कि आपको क्या जो है चेंजेस देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने वाइट कलर को चेंज कर लिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर वाइट कलर नहीं, आप पूरी की पूरी ड्रेस का कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ह्यू सैचुरेशन में अगर आप जाके करते हैं तो वहाँ पे आपको कभी कभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। अगर आपको किसी सेपरेट सिलेक्शन का, किसी सेपरेट चीज़ का कलर चेंज करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है। इस टेक्निक को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप यहाँ पर कर्व्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, और मैं यहाँ का इसका थोड़ा सा मिड टोन को जो हूँ ऊपर कर देता हूँ और डार्कन एरिया थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो ठीक है, इमेज देखिए फ्रेंड्स एक अच्छे लेवल पे जो है चले गई है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए, अभी जो मैंने चेंजेस किया है वो पूरी इमेज के अंदर चेंजेस हुआ है, जो मैंने कर्व्स में चेंजेस किए हैं, ठीक है। जो अभी हमें डेटा यहाँ पे शो हो रहा था, ये पूरी इमेज का डेटा जो है शो हो रहा था, लेकिन मुझे, मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ वाइट कलर का जो हमने जो टी शर्ट है इसका जो कलर चेंज किया है इसका रिफ्लेक्शन खाली इसी टी शर्ट के अंदर आए और कहीं पर ना जाए। तो ऐसे केस में आपको कर्व लेयर को सिलेक्ट करना है और इसको आपको क्लिपिंग मास्क कर देना है। अब ऐसे करने से आप यहाँ पे जो जो चेंजेस करेंगे, ठीक है, वो आपको इस टी शर्ट के अंदर देखने को मिलेगा, पूरी इमेज पे कहीं पे भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। तो इस टेक्निक का आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी टेक्निक है, इसका आप यूज़ कीजिएगा। मैं फ़िलहाल इस लेयर को जो हूँ डिलीट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए मैं यहाँ पे एक अलग से सेपरेट लेयर कर्व्स की बना देता हूँ और इसको मैं यहाँ से जो है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट कर देता हूँ। अब ऐसे केस में आप देखिए फ्रेंड्स, इमेज जो है, इमेज का जो लेवल है एक अलग ही हमने जो है यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब मैं इसको आपको बिफ़ोर आफ्टर करके दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले इमेज ये ऐसी थी, आफ्टर एडिटिंग हमने इस इमेज को ऐसा बना दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप वाइट कलर हो, ब्लैक कलर हो, ख़ास तौर पर इन दो कलर के कलर्स जो है आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। आप किसी भी कलर को चेंज कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन अगर आपको स्पेशली वाइट और ब्लैक को चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी टेक्निक्स का आप ध्यान रखना। अगर वाइट कलर है, यानी कोई भी ऐसा लाइट कलर है, तो उसमें लाइट कलर का ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। डार्क कलर में आप लाइट कलर थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं,
लेकिन लाइट कलर में लाइट कलर का यूज़ कीजिएगा, जिससे जो है जो ब्लेंडिंग मोड्स के जो ऑप्शंस हैं, यानी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं चाहे सॉफ्ट लाइट यूज़ करते हैं, तो ऐसे में काफ़ी अच्छा जो है हमें आउटपुट देखने को मिलता है, डार्क कलर में देखने को नहीं मिलता। अगर वो इमेज यानी जो इमेज में जो कलर है वो पहले से डार्क है, तब तो आपको आउटपुट जो है अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आपकी इमेज का कलर पहले से ही डार्क है, उसमें डार्क कलर आप अप्लाई करेंगे, तो फ्रेंड्स इतना अच्छा आउटपुट जो है देखने को नहीं मिलेगा। ये कुछ टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स का यूज़ कीजिए और अपनी फ़ोटो को और भी ज़्यादा अच्छा बनाइए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपने हमारे चैनल से कोई भी ट्यूटोरियल देख के अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, तो हमें इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें टैग करना ना भूलें। अगर मेरे को आपको बनाया फोटो जो है अच्छा लगता है, तो फ्रेंड्स मैं उसको स्टोरी में मेंशन करूंगा आपके नाम के साथ इंस्टाग्राम पे। तो फ्रेंड्स मेरे को इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो वहाँ फटाफट फॉलो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये था ट्यूटोरियल, बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।